तो देखिए फिलहाल ये तस्वीरें सुशील कुमार मोदी के घर से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर उनका पार्थिव शरीर जो है वो फिलहाल पटना एयरपोर्ट से यहां पहुंच चुका है। और हम दिखा रहे हैं कि मुक्ति रथ, जिसमें सुशील कुमार मोदी की अंतिम यात्रा जो है वो होगी, उसमें सवार होंगे। और इससे ठीक पहले हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पर सुशील कुमार मोदी का पार्थिव शरीर जो है फिलहाल पहुंच चुका है। देखिए तस्वीरें, सुशील कुमार मोदी अमर रहे अंतिम यात्रा की तस्वीरें हैं। पार्थिव शरीर जो है वो फिलहाल यहां पहुंच चुका है। सुबह से ही जितने भी राजनीति में लोग हैं वो फिलहाल यहां पहुंच रहे हैं। और इसके अलावा बात की जाए तो जेपी नड्डा भी फिलहाल पटना पहुंचने वाले हैं और उनके अंतिम यात्रा में शामिल होंगे। अब उनका जो पार्थिव शरीर है वो फिलहाल उनके घर पर लाया गया है और राजनीति में जितने लोग हैं वो फिलहाल यहाँ पर पहुँचते हुए नज़र आ रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कि सुशील कुमार मोदी का शव फिलहाल इस रथ से उतारा जा रहा है और नारे लगाए भी जा रहे हैं। इसके अलावा हम आपको दिखा रहे हैं कि घर के बाहर किस तरीके से भीड़ है, जितने लोगों का प्यार उन्हें मिलता था, जो लोग उन्हें प्यार करते थे, स्वाभाविक है उनका एक अलग स्वभाव था और इसी कारण लोग उन्हें सम्मान देते थे, उनका सम्मानित करते थे। और इसी क्रम में आप देख सकते हैं कि कल जब खबर सामने आई कि सुशील कुमार मोदी अब इस दुनिया में नहीं रहे, हमारे बीच नहीं रहे हैं, इसके बाद दुख की लहर जो है वो हर जगह दौड़ गई और उनके अंतिम दर्शन के लिए फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग पहुँच चुके हैं और राजनीति में भी कितने लोग हैं वो पहुँच चुके हैं। और देखिए किस तरीके से उनका पार्थिव शरीर जो है वो लेकर आया गया है उनके घर पर। तो तस्वीरें आपके सामने, किस तरीके से सुशील कुमार मोदी का शव फिलहाल उनके घर के अंदर ले जाया जा रहा है। और तस्वीरें देखिए, राजनीति में एक दिग्गज के तौर पर लगातार सुशील मोदी काम करते रहे और इसी बीच उनका पार्थिव शरीर फिलहाल पटना पहुंचा है। पटना एयरपोर्ट से फिलहाल उनके घर पर लाया गया है और घर के अंदर उनके अंतिम यात्रा के लिए उनका शव ले जाया जा रहा है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तिरंगे झंडे से लिपटा हुआ शव जो है लाया जा रहा है। ये फिलहाल तस्वीरें सुशील कुमार मोदी के पैतृक आवास की है, जहां पर जो लोग हैं उनके अंतिम दर्शन के लिए भीड़ उनके घर के बाहर उमड़ती हुई नजर आ रही है। और जहां पर सुशील कुमार मोदी के अंतिम यात्रा जो है फिलहाल यहां से निकलेगी, उनके पैतृक आवास पर उनका शव लाया गया है और ठीक जितने भी बड़े बड़े लोग हैं वो फिलहाल उनके घर पर उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं। जिस तरीके का राजनीति में उनका योगदान रहा है, जो संघर्ष सुशील कुमार मोदी ने किया है वो अगर कही जाए तो अपूर्णीय क्षति भारत की राजनीति में है। और इसी क्रम में जब कल खबर आई कि सुशील कुमार मोदी अब हमारे बीच नहीं है, इसके बाद दुख की लहर लोगों के बीच दौड़ गई है। और इसी क्रम में जब पटना एयरपोर्ट से अभी फिलहाल उनके पैतृक आवास पर उनका पार्थिव शरीर लाया गया है, झंडे में लिपटा फूलों से सजा रथ में लेकर आया गया है और उसके ठीक बाद शाम में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जेपी नड्डा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी की, वो भी फिलहाल पटना पहुँचने वाले अभी से कुछ ही देर में और उनके दर्शन करने के लिए, उनके अंतिम दर्शन के लिए फिलहाल यहाँ पर बिहार की राजनीति के जो लोग हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ जो नेता हैं उनके आने का तांता लगातार लगा हुआ है। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़ पटना।